तो ये है मेरे बेबी टर्टल्स जो काफी दिनों से मेरे पास हैं। टेम्पररी पर्पस के लिए मैंने सेटअप दिया था लेकिन ये इनके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक गिफ्ट खरीदा अमेजन से अपने टर्टल्स को देने के लिए। हर चीजें अपग्रेड करते रहना जरूरी है पेट्स के लिए ताकि क्रुएल्टी ना हो, इसलिए मैंने एक बड़ा सा गिफ्ट खरीदा है अपने टर्टल्स के लिए। चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर दिखाता हूँ किस लिए क्या चीज लिया मैंने, जो काफी यूजफुल है आपके पास अगर रेप्टाइल्स टर्टल्स या क्रैब्स वगैरह हैं तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैंने एक अपने टर्टल्स के लिए एक अमेजिंग गिफ्ट लिया है अमेजोन से। नो प्रमोशन वीडियो, पर्सनल में एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टर्टल्स काफ़ी दिनों से आप देखा होगा, लेकिन टर्टल्स के लिए जो मैंने सेटअप रखा है छोटा, बहुत ही छोटा है, जो लॉन्ग टाइम के लिए एनफ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों मैं अपना टर्टल्स के लिए एक टैंक अपग्रेड करूँ जो काफ़ी अच्छा हो, यूज़फुल हो, उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए, सक्सेसफुली उसको रन करने के लिए, हेल्थ ग्रो करने के लिए एक सही से एक जगह चाहिए जो हम दे नहीं सकते। एक टैंक रखूँगा तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है। जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए एक टब चाहिए था मुझे, तो मुझे ब्रॉक पेट्स का जो है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से अवेलेबल है, अमेजोन से मुझे मिला 1900 रुपये मुझे मिला। 2 फीट का एक बास्किंग एरिया के साथ, फुट ट्राई के साथ एक मैंने एक टब लिया है अपने टर्टल्स, बेबी टर्टल्स के लिए। छोटे टर्टल्स आपके पास हैं तो ये आप रख सकते हो। तकरीबन अगर आप ये पहली बार ख़रीद रहे हो तो आपके टर्टल्स के लिए अप टू 1 ईयर तक, जब वो 1 साल तक के बड़े ना हो जाए तब तक इनको आप रख सकते हो। अगर छोटी टैंक ले रहे हो 1.5 फीट की तो थोड़े समय बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर आप लेते हो आपके छोटे टर्टल्स के लिए, जैसा कि 5 इंच का, 6 इंच का टर्टल्स है या स्मॉल बेबी टर्टल्स है, उनके लिए भी काफ़ी है। काफ़ी बड़ा एक टब है जो मैंने लिया है, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, हालांकि मैंने ओपन कर लिया था जब मैंने रिसीव करा था कि चेक करने के लिए क्वालिटी कैसी है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, एक गिफ्ट लिया मैंने टर्टल्स के लिए। तो ये है, तो ये मैंने 1900 का टर्टल लिया, काफ़ी हार्डी है। कह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी टर्टल्स हैं, छोटे टर्टल्स हैं या बड़े टर्टल्स हैं जो 5-6 इंच के हैं, तो उनके लिए सूटेबल जो है टब आप कौन सा ले सकते हैं। टब में क्या होता है, उनके लिए बास्किंग एरिया प्रॉपर नहीं मिल पाती है, फूड रखने के लिए चीज़ नहीं मिल पाती है, ये प्रॉपर जो है मेल्ट हो जाता है। अगर बास्किंग एरिया लाइट अगर ज़्यादा चलाते हैं, यूवी लाइट, तो गर्मी ज़्यादा होने की से कभी कभी मेल्ट हो जाते हैं, मैंने देखा हुआ पर्सनली, और पानी चेंजेस करने में दिक्कत होती है। तो ये जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी हार्डी है, इनको हम टर्टल के साथ रखते हैं। देखिए मैं सिर्फ पानी डालता हूँ, पानी फिल करके टर्टल को इसमें छोड़ देना है, बासी एरिया भी हो जाएगा। ये देखिए टर्टल्स को इसमें इंट्रोड्यूस कर देना है। तो ये देखिए ओल्ड सेटअप था मेरा, यहाँ पर देखिए 2 फीट का है। अगर आपके टर्टल जो है तकरीबन अगर 6 से 8 इंच के हो जाते हैं तब भी इसमें ये सर्वाइव कर जाएंगे। काफ़ी बड़ा टब है जो आप इजीली इसको पानी चेंजेस कर सकते हो। ये पुराना सेटअप देखिए मेरा, पुराना सेटअप कितना बकवास है, क्या करें, टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए मैंने रखा हुआ था। ये मेरा पुराना सेटअप है, यहाँ पर यूवी लाइट काफ़ी अच्छा है, इसमें भी मैंने ग्रो किया था, लेकिन टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए सही है, लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर बास्किंग एरिया दे नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रॉपर सेटअप दिया जो स्पेशली टर्टल्स के लिए ही बनाया गया है। ये बुराक पेट्स का है कंपनी का, जो मैंने अमेजोन से ख़रीदा। इसमें आप क्राब रख सकते हो, लॉबस्टर रख सकते हो, आप इसमें टर्टल रख सकते हो, रेप्टाइल जो इगुआना वगैरह होते हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। सिंपली से यहाँ पर एक आपको यूवी लाइट लगा देना है, बास्किंग एरिया ये वाला है, यहाँ पर आकर बैठते हैं, ये वाला देखिए इस तरफ यहाँ पर रख देना। और ये जगह क्यों खाली है, यहाँ पर अगर आपके पास सैंड वगैरह है, मेरे पास सैंड में डाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक सेटअप हो चुका है स्मॉल बेबी टर्टल्स के लिए। अगर बड़े हैं, जैसा मेरे पास बड़े टर्टल्स हैं, वो भी अगर चाहे तो वो साइज़ के भी आप इसमें रख सकते हो। ये बास्किंग एरिया है, स्लिपर नॉन स्लिपर ही है, ये स्लिप नहीं होता है, टर्टल जो है आराम से ऊपर आएंगे। यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं ये फुट के लिए, अगर आप फुट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर फुट डाल के छोड़ दो, पानी में डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह फुट डाल के छोड़ दो, टर्टल्स आकर पिक करके आराम से खाएंगे। यहाँ पर सैंड वगैरह, मेरे पास सैंड कम है इसलिए मैंने कम फिल किया। यहाँ पर अगर सैंड फुल कर देते हो तो टर्टल जो है आराम से मिट्टी के ऊपर, अगर मिट्टी डालते हैं यहाँ पर बालू वगैरह, तो वो बास्किंग एरिया का लाइट जो है आप एडजस्टेबल के हिसाब से, यहाँ पर रोशनी पड़ेगी इसकी यूवी लाइट की, टर्टल जो है आराम से आकर यहाँ पर बैठेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि टर्टल जो है कितने भी बड़े हो इसके बाहर जम नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत थी, जो मेरे पास पुराना सेटअप है, जो पुराना सेटअप है उसमें बड़ी दिक्कत थी कि टर्टल जो है कभी कभी बाहर आ जाते थे क्योंकि ये छोटा हाइट जो है बहुत कम है। ये स्पेशली टर्टल्स के लिए ही बनाया गया है, ये टब जो है टर्टल टब इसको बोलते हैं। इसमें देखिए तकरीबन 1 साल तक के हो जाएंगे तब तक भी ये बड़े नहीं हो पाए, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए टर्टल्स आराम से अभी ये ऊपर आ सकते हैं, ऊपर आके ऐसा बैठ सकते हैं, फूड खा सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी सैंड फिल कर दूंगा बाद में मैं, अगर आप ग्रेवल वगैरह कलरफुल सैंड डालते हो तो यहाँ पर बैठ के आराम से ये बास करेंगे, लाइट लेंगे, फिर वापस फूड खा के यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि जान नहीं रहे, मैं खुद उसको पुश कर रहा हूँ। तो एक सिंपल वीडियो था आज का,
जो अगर आपके पास टर्टल्स हैं तो बहुत चीज़ें ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे टर्टल्स क्या करते हैं, बहुत सारे मैंने देखा हुआ है, बॉल में रखते हैं, छोटे छोटे एक फीट के टैंक में रखते हैं, उसको प्रॉपर बास्किंग गिरा दे नहीं पाते, या स्मॉल एक टब ले लेते हैं 20-30 रुपये का या 100 रुपये का टब आता है, उसमें एक पत्थर रख के उसमें रख देते हैं, जिसकी वजह से उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी शेल ख़राब हो जाता है या उसके प्रॉपर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। बाद में बोलते हैं कि मेरे टर्टल को आँखों की प्रॉब्लम हो गई, मेरा टर्टल प्रॉपर फूड नहीं खा रहा है, क्योंकि आप उसको जो जगह दिया हुआ है वो जगह सही नहीं है। अगर आप उसको जगह जो दिया है आपने उसको सही एनवायरनमेंट दोगे उसके साइज़ के हिसाब से, ताकि वो आराम से चल फिर सके, वो आराम से अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, तो टर्टल आराम से आकर बैठ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसमें आसानी से हेल्थी भी रहोगे, और ये इतना हार्डी है कि ये फूटेगा नहीं। और एक सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर देखिए एक होल दिया हुआ है, यहाँ पर एक रबर है, अगर इस रबर को हम खींच लेते हैं तो पानी पूरा नीचे चला जाएगा। अगर आप खाली करना चाहते हैं तो उठा के किस तरह हाथ से उठाकर फेंके या जग से उठाकर फेंकने की बाहर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक जूम कर सकते हो, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक रबर जैसा है, यहाँ पर भी है, ये भी चाहे तो ओपन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं सकते, यहाँ पर छोटा सा रबर सा है, इसको आप होल है, अगर ये निकाल देते हैं, अभी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी अच्छा पानी है मेरा, इसको अगर निकाल दें तो पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, विद इन मिनट जो है पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इस रबर को वापस लगा दो, फिर पानी फिल कर दो, तो बहुत ही ईजी है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1900 रुपये का आपको मिल रहा है। तो इस तरह जैसा हम अपने आप को कंफर्ट रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप के चीज़ों को थोड़ा सराउंडिंग जो है अपग्रेड करते रहते हैं, तो इसी तरह हम चाहिए कि हम जो पेट्स आप अपने अपने पास रख रहे हो तो उसको भी अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, जैसा हम फूड अच्छी देते हैं उसी तरह आप पानी क्लीन देते हैं, इसी तरह आपको चाहिए कि टैंक या जो जगह आप दे रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा इनको प्रोवाइड करें। छोटे टर्टल से सही, लेकिन अच्छे से अच्छा केयर करें, तभी उसकी हेल्थी होगी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह का आप सेटअप रखो, तो इस तरह का आप सेटअप लेकर रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके पेट्स के लिए भी। बस मेरा एक हॉनेस्ट रिव्यू था इसके बारे में, सिंपली वीडियो है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि टर्टल्स को किस तरह हम अपने छोटे टब में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, जब मैं छोटे छोटे टब रखता था तो उसी में रखकर आप लोग रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखकर भी फॉलो करो, बड़े टब में अपग्रेड करो अपने टर्टल्स के लिए, अपने पेट्स के लिए, अपने जो पेट्स रख रहे उसको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो। तो अगर ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर वहाँ पर खरीद सकते हो। एनी हो, आप बस अच्छी चीज़ आप अपने टर्टल्स को प्रोवाइड करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कितना पसंद आया, कितना गलत है, कितना सही है, वो जो भी है आप अपने ओपिनियन जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में ज़रूर कहना, ताकि मुझे भी इसमें थोड़ा लर्न, मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ, देखे कि आपको ये पसंद आ रहा है या कॉन्टेंट नहीं। तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके टर्टल्स के लिए जो चीज़ें लाता रहता हूँ, 2 फीट का टैंक है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कितना साइज़ का, इसलिए बोल रहा हूँ 2 फीट का इसका लेंथ है, चौड़ाई जो है 12 इंच की है और लंबाई जो है 2 फीट की है। छोटे टर्टल्स के लिए काफ़ी सूटेबल टब है आपके, इससे छोटे भी आते हैं वो मत रखो, एटलीस्ट इतना लेने की कोशिश करो, ताकि एटलीस्ट आप 1 साल तक इसको अपने टर्टल्स को इसके अंदर रख सको। छोटे लोग हैं जो 200-150 रुपये में आते हैं, थोड़े दिन के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके टर्टल्स के लिए, आपके पेट्स के लिए, आपके रेप्टाइल्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।